भगवान ने कहा कि वाली जानना चाहते हो मैंने तुम्हें क्यों मारा है, हाँ ना तो बताइए। तो भगवान राम ने कहा सुनो वाली, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सटिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि पिलो कही जोई, तो ताहे बधे कछु पाप ना होई। वाली ने कहा ना, अरे मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता। भैया शांति बनाए रखिएगा। ये कुछ बच्चे उद्धरता कर रहे हैं, कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं आप उनको इनको देख लें, क्योंकि ये नई कड़ी ना जुड़े इस कार्यक्रम में। शांति का परिचय दें आप, कार्यक्रम में सहयोग करें, सहयोग की भावना होनी चाहिए। माता रानी के दरबार में ये कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसी बात ना आए कि मंच की गरिमा जो है भूमि लो, कम से कम चले, कोई बात नहीं है, बना के रखें। धन्यवाद, कोई बात नहीं है। हमारे भैया लोग बिल्कुल शांति पूर्वक बैठ जाए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है और बिना आपके सहयोग के कार्यक्रम की सफलता नहीं है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं पधार जाए और शांति बनाए रखें। देखिए वाली ने कहा कि मैं नहीं मानता इस बात को, नहीं मानता हूं। क्यों क्यों? अरे धर्म अधर्म पाप पुण्यों की बात हमें बतलाते, पाप पुण्य धर्म अधर्म पाप पुण्यों की बात हमें बतलाते, हम वानर, अरे हम तो वानर योनि के हैं, हम वानर नर के जैसे ना जाने रिश्ते नाते, हम क्या जाने अनुज वधु भगनी सुत नारी। मुझे तो ऐसा लगता है, कैसे वाली ने कहा, मुझे तो प्रभु ऐसा लगता है कि लगे आपकी बातों में प्रभु, अरे लगे आपकी बातों में कुछ छुपा भेद न्यारा का है मारा, ये बात आपकी कुछ हजम नहीं हो रही है। भगवान श्री राम ने कहा वाली सुन, मैंने तुझे क्यों मारा है, अरे मूढ़ मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, और नार सिखावन करसी न काना, तेरी पत्नी ने तुझे कितना समझाया वाली, लेकिन तूने पत्नी की एक भी बात नहीं मानी,
और जब इतना भगवान ने कहा तो बाली को हंसी आ गई। बाली ने कहा, प्रभु मैंने पत्नी की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि आपके पिताजी ने भी पत्नी की बात मानी थी। आपके पिताजी ने भी पत्नी की बात मानी थी और उसका परिणाम क्या हुआ? क्या बात है। क्या सोचा कि हाल आप दोनों के जैसा सही नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि हकीकत क्या है जो आपने मुझे मारा। भगवान ने कहा, ठीक है वाली, तू जानना चाहता है तो सुन। मैंने ना मारा, किसने मारा है? भगवान बोले, वही तो बता रहा, मैंने ना मारा तुझे, मैंने है मारा, मैं में तू खो गया है। और तेरे अंदर वाली कर्म में ना होता, हमन कर्म होता तो इधर मैं ना होता, हाल में के कारण हो गया। बाली की पत्नी तारा गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, प्रभु अरे मेरे पति को क्यों मारा है, क्यों मारा है? कहा, तारा रो नहीं, रो मत तारा, सुन। तारा तेरे पति के सर से सुन ले
हकीकत बात क्या है? क्या याद कर वाली के राज रहा वो राज रहा वो राज ताज जो सर से उतारा उतारा वो दिन याद कर महाराज कसरत के सर से तूने ताज छीन लिया था। सेवा में और एक छोटा सा टुकड़ा सुनिएगा। ऐसे ही दो आ जाए मेरी तरफ से भी तो सुनेगा। सुनिए
इसलिए हे प्रभु, अरे आपकी लीला आप ही
जी हैं आप, आपके करकनों से 101 पद मुद्राएं हैं। नमन कर रही हूँ बेसरी राम अवतार जी गजियापुर से, है ना, आपके करकनों से 51 पद मुद्राएं हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री अवधेश सिंह जी सेरापुर परमादनी भैया अवधेश भैया के करकनों से 101 पद मुद्राएं हैं। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ। बबूला लिया और आप लोगों से निवेदन है, बहुत हल्का गीत है।